मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस समारोह में, इस बारात में आप लोग आए हुए हैं। हमारे राम आएंगे, यह बड़ी वर्षों की तपस्या के पश्चात आज यह सुखद दिन देखने को मिला है। माता कैकेयी ने तो 14 वर्ष के लिए प्रभु श्री राम को वनवास भेजा था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने 550 वर्षों के लिए प्रभु श्री राम को टेंट में निवास करा दिया। हम तमाम लोग उनके वंशज हैं। हम देखते रह गए निरीह अबला प्राणी के तरह। एक छोटी सी सूचना किसी व्यक्ति ने कर दी कि 22 तारीख को हम लोगों का या प्रभु श्री राम का जो महाभिषेक हो रहा है अयोध्या में, और इसको करने वाले एक कोई मनीषी है, कोई व्यक्ति है, कोई फकीर है, जिसने बड़ी साधना करने के बाद बड़ी प्रभु श्री राम को वहाँ स्थापित कर किया है। उसका नाम है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। पता नहीं किस जन्म का उन्होंने सौगात दिया है। आप तमाम मित्रों के माध्यम से लोग, पूरी भारत की जनता को हम अपनी ओर से नमस्कार करना चाहते हैं कि बड़ा सौभाग्य से यह समय आया है हमारे बीच में कि भगवान को पुनः हम लोग बुला रहे हैं। यो तो भगवान सब जगह विराजमान रहते ही हैं, लेकिन हम लोग जहाँ से प्रभु श्री राम विस्थापित हुए थे उस स्थान को थोड़ा उसको रुकवाइए ना, कहीं 5 मिनट तो बिहार के राजनीति के गलियारों में एक बार फिर जो है चर्चा का विषय बन गया है। देखिए, नीतीश कुमार जी का ये रहा है नियत कि समय समय के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। आज जो परिस्थिति उनके सामने आई है, हम समझते हैं कि न तो उनको राजद में कोई पैठ है और न एनडीए में। अब वो सोच रहे हैं कि क्या करेंगे। अभी हाल में हमने सुना है कि दिल्ली में डिप्टी सीएम के घर पर गए थे, जो डिप्टी सीएम उनसे नहीं मिले। अब ऐसी परिस्थिति किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का हो जाए तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। 14 तारीख के बाद, खरमास के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। गठबंधन की बैठक नहीं हो रही है। तेज प्रताप जी, सीट शेयरिंग में जेडीयू बोल रही है जो बहुत विलंब हो गया है, कोई एक आदमी बन तो बहुत परेशानी होगी। अब सीट शेयरिंग नहीं होगा तो कब होगा? सर, लालू प्रसाद ने पर सम्राट चौधरी ने हमला किया है। सर, क्या लगता है सर कि सीट बंटवारे में देरी हो रही है? जल्द से जल्द बढ़ जाता काफी विलंब हो रहा है। अब पार्टी का जो निर्णय होगा उसको सबको मानना होगा, लेकिन पार्टी अभी निर्णय लेगी। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए सर, एक ही कैमरा का आ रहा है। पार्टी अभी निर्णय नहीं ली है, पार्टी निर्णय लेगी। अयोध्या जा रहे हैं कि नहीं? राम मंदिर जा रहे हैं कि नहीं उद्घाटन में? नहीं, हम तो कृष्ण भगवान के भक्त हैं ना, हम तो कृष्ण भगवान के भक्त हैं। सर थोड़ा सा, हम तो वृंदावन जाते हैं। सर ऐसे नहीं आ रहा, हम तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। नीचे कर दिया, नहीं आ रहा है। क्या बोलेंगे? बोले हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं। बीजेपी वाले सबको निमंत्रण दे रहे हैं राम मंदिर, बीजेपी वाले सब लोग को निमंत्रण दे रहे हैं। सर क्या आप भी जाएंगे क्या राम मंदिर? ना, हम तो वृंदावन जाते हैं। जी। हम वृंदावन जाते हैं, कृष्ण भगवान का भक्त। January 24 को कौन सा प्रोग्राम? प्रभु श्री राम अयोध्या में आ रहे हैं तो जननायक कर्पूरी ठाकुर हमारे कर्पूरी आने वाले हैं। 24 जनवरी 2024 को 100 वर्ष पूरा होने जा रहा है। जन जन की का यह नारा है, हमारे कर्पूरी आने वाले हैं।
कौन से कर्पूरी, पहले वाले या अभी वर्तमान वाले? नहीं, आपके लोग ही कहते हैं कि हमारे नए कर्पूरी भी आ रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर का 100 वर्ष पूरा हो रहा है, जिनको भारत रत्न नहीं दिया गया, तो घर घर की यह पुकार बनने वाली है, हमारे कर्पूरी आने वाले हैं। और कहाँ आने वाले हैं? घर घर आने वाले हैं। सामूहिक रूप से वेटनरी कॉलेज में यह कार्यक्रम होगा, लेकिन हमारे कर्पूरी आने वाले हैं, यह बिहार के जन जन की आवाज बनने वाली है। बीजेपी कह रही है एक तरफ घर घर राम आने वाले, आप कह रहे एक तरफ। अरे तो अच्छी बात न है, भाजपा कह रही है कि राम आने वाले हैं, हम भी राम भक्त हैं, लेकिन हम राम भक्त के साथ साथ हम जन नायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत को मानने वाले हैं। तो जन नायक कर्पूरी ठाकुर आने वाले हैं, ये तो और गौरव की बात हो गई। कर्पूरी आने वाले हैं, घर घर में ये नारा लगेगा। एक सवाल ये भी है कि बदरुद्दीन अजमल है सांसद, वो जो है राम पे सवाल खड़ा करते हैं और कहते हैं मुसलमान भाई को कि ट्रेन पे नहीं। अरे फालतू आदमी है वो, आरएसएस का पॉलिटिकल एजेंट है वो, बाहियात आदमी है वो भाई, क्यों नहीं जाएगा? अयोध्या में, अगर अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो अयोध्या में ही बाबरी मस्जिद के लिए जमीन आवंटित हुआ है। हम मजार पर जाते हैं, हम मुहर्रम में जाते हैं, हम साझी संस्कृति के विरासत वाले लोग हैं। राम है तो रहीम है, ये सब आरएसएस का पॉलिटिकल एजेंट है, प्रचार के लिए अपना बयान देता है।